अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फरीन कुकिंग्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं आलू गोश्त। तो ये हम प्रेशर कुकर में बना रहे हैं। तो प्रेशर कुकर में हम सबसे पहले ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे, और इसके बाद मैंने ये दो बड़ी साइज़ की प्याज जिसको मैंने बारीक स्लाइस कर लिया है, तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और प्याज को हमें लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। और जैसे ये प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये प्याज फ्राई कर लेने के बाद जो ऑयल हमारा बच गया है, इसमें हम ये कुछ साबित मसाले ऐड करेंगे। तो देखिए, ये साबित मसालों में हमने लिया है एक दालचीनी की स्टिक, और 4 से 5 मैंने लौंग ली है, और 6 मैंने ली है काली मिर्च, 3 हरी इलायची, 1 बादियान और 1 बड़ी इलायची, 2 तेज पत्ते मैंने लिए हैं, और ज़ीरा लिया है मैंने 1 टीस्पून। तो ये सारे साबित मसाले हम ऑयल में ऐड कर देंगे। तो बस फ्यू सेकेंड्स के लिए हम मसालों को ऑयल में भुनेंगे, और उसके बाद हम इसमें ये गोश्त ऐड कर देंगे। तो ये जो गोश्त है ये बोनलेस नहीं है, इसे हमने हड्डियों के साथ ही लिया है, और इसकी क्वांटिटी है 1/2 kg। तो इस गोश्त में मैंने 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है, और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो अब हम नमक और अदरक लहसुन के पेस्ट को गोश्त में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और गोश्त को हमें अच्छे से भून लेना है जब तक कि इसका सारा जो पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता। तो यहाँ देखिए, इसका सारा पानी ड्राई होने तक हमने इसे अच्छे से भून लिया है। तो अब हम बाकी के मसाले भी इसमें ऐड कर देंगे। तो ये 1/2 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर, और 2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है लाल मिर्ची का पाउडर, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर दिया है। तो इन सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद देखिए, ये 2 बड़ी साइज़ के टमाटर मैंने बारीक चॉप कर लिए थे, तो ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और बस 2 मिनट इसे भूनने के बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर पानी मैंने 1 गिलास ऐड किया है, क्योंकि हमें गोश्त को अच्छे से गला लेना है। तो प्रेशर कुकर की हम लीड लगा देंगे, और 3 से 4 सीटी आने तक हम इसे पका लेंगे। तो 4 सीटी आने तक हमने इसे पका लिया है। अब हम गोश्त को चेक कर लेते हैं कि ये गला है या नहीं। तो गोश्त को मैंने चेक कर लिया है, ये गल गया है अच्छी तरह से। तो अब हम इसमें ये फ्राइड की हुई प्याज ऐड करेंगे। तो प्याज को हमें थोड़ा सा क्रश कर लेना है, और फिर इसमें ऐड कर देना है। और इसके बाद देखिए, ये साबित हरी मिर्च है जिसको मैंने बीच से स्लेट लगा दी है, तो ये 4 से 5 हरी मिर्च हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये दही है 1/2 कप जिसको मैंने थोड़ा सा फेंट लिया है, तो ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये देखिए, ये मीडियम साइज़ के 4 आलू मैंने लिए थे जिसको मैंने इस तरह से बड़े बड़े पीसों में कट कर लिया है। 1 आलू को हमने 4 पीस में कट कर लिया था, तो ये सभी आलू हम इसमें अभी ऐड कर देंगे। तो ये सारे आलू हम मसाले में अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे, और दोबारा से हम प्रेशर कुकर की लीड लगा कर इसे 1 सीटी आने तक पकाएंगे, ताकि ये आलू जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। तो 1 सीटी आने तक हमने इसे पका लिया है, और ये जो आलू हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। तो ये जो ग्रेवी है ये अभी काफ़ी गाढ़ी है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो ये जो सालन है ये थोड़ा पतला ही होता है, इसे हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना होता है। तो बस अपने मर्ज़ी के मुताबिक देख लें कि आपको इसकी कैसी ग्रेवी रखनी है, उतना पानी आप इसमें ऐड कर दें। और पानी ऐड करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे बारीक चॉप किया हुआ, और ये थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर। तो 5 से 6 मिनट बस इसे हम थोड़ा सा पकाएंगे, और फिर इसे सर्व कर लेंगे एक सर्विंग बाउल में। तो ये देखिए, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सा हमारा आलू गोश्त बनकर तैयार हो चुका है। तो इस रेसिपी को आप ट्राई करें, और वीडियो पसंद आने पर मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, और चैनल पर आप मेरी पहली बार आए हैं तो इसे 1 टाइम सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। फरीन को दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।